तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमको पूछा गया है उसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी। इन चार में से कौन सा एसिड है जिसको विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मिथेनोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो पहली चीज तो ये कि हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि इनमें से कौन से एसिड में विटामिन सी होता है या नहीं होता है। हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से एसिड को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा कि विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। बट येट अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो ये आपको पता है या फिर आपको ये नहीं पता है। इसमें आप कोई इंटेलेक्चुअल गेस नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन डेड श्योर आता है कि हाँ इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, आपने पढ़ रखा है, तो ठीक है लगाइए, वरना ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके सही और गलत दोनों होने की प्रोबेबिलिटीज 1/4 है, जो कि एक मेरे हिसाब से चांस लेने के लिए मेरे हिसाब से सही एक पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैनॉट सेपरेट रेडियो आइसोटोप्स, कलर्स फ्रॉम अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम अ नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। पहली चीज तो ये कि ये क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करके आप इन चार में से कौन सी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पहला आपका रेडियो आइसोटोप है, दूसरा अगर आपके पास एक डाई है तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं आप उनको सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तीसरा अगर एक नेचुरल कलर है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स वगैरह को आप सेपरेट कर सकते हैं नहीं, और चौथा ब्लड में अगर ड्रग्स वगैरह हैं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं नहीं। पहली चीज तो ये कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। एनसीईआरटी 9th क्लास सॉल्यूशंस के चैप्टर में हमको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया गया है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक डाई में या फिर ब्लड वगैरह में अगर कोई चीज मिली हुई है तो उसको हम लोग ब्लड से अलग कर सकते हैं। अगर एक डाई में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह मिले हुए हैं तो उसको अलग कर सकते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि आपको जो भी चीज, जो भी डाई वगैरह है या जो भी चीज है जिसमें से आपको सेग्रीगेशन करवाना है, उसकी एक या दो ड्रॉप एक खास तरीके के पेपर के ऊपर आप डाल दीजिए, और उसके बाद इस पेपर को आप वाटर के साथ में कांटेक्ट में ले आइए। वाटर धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा, एंड क्योंकि वाटर में ये जो डाई है, लेट से हमने यहाँ पे थोड़ी सी डाई गिराई है, इस डाई में जो अलग अलग कलर्स मिले हुए हैं उनकी सॉल्वेबिलिटी जो है वाटर में वो अलग अलग होगी। तो जब ये पेपर को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, किसी चीज से लटका दिया है और वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आए, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा, और वाटर कैपिलरी एक्शन से जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा और फाइनली इस डाई के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, तो डाई जो है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी हुई है। अब अलग अलग कलर जो है उनकी सॉल्वेबिलिटी वाटर में अलग अलग है, तो जिसकी सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो कलर सबसे आगे तक इस वाटर के साथ में जाएगा, जैसे जैसे कैपिलरी रिएक्शन के कारण वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जिसकी सॉल्वेबिलिटी कम है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रह जाएगा। इस तरीके से आपको एक स्पेक्ट्रम जैसा मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि जो डाई आपने यहाँ पर एक बूंद गिराई थी, जिसकी एक या दो बूंद, उसमें बेसिकली कौन कौन से कलर्स मिले हुए हैं, उसके बेसिस पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ड्रग्स में ब्लड, अगर आपके ब्लड में ड्रग्स वगैरह मिले हुए हैं या फिर कोई और केमिकल डला हुआ है तो उसको भी पता करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर ये डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली तो उसके बाद में हमें ये तो समझ में आ गया कि एक डाई से हम लोग कलर्स निकाल सकते हैं। एक नेचुरल कलर में भी जो अलग अलग पिगमेंट है, क्योंकि वाटर में उनकी सॉल्वेबिलिटी जो है अलग अलग होगी, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो पिगमेंट्स अलग अलग लेवल तक वाटर के साथ में जाएंगे, तो उससे आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे। डेफिनेशन में बताया गया है कि ब्लड्स में अगर ड्रग्स वगैरह या कोई दूसरे केमिकल है तो उनको भी पता किया जा सकता है। तो ये तीन चीजें तो हो सकती हैं, रेडियो आइसोटोप्स जो है वो नहीं हो सकते, तो यहाँ से अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेडियो आइसोटोप्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो व्यक्ति अच्छे से सॉल्व कर सकता है जिसने एनसीईआरटी के 9th क्लास का जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें इन सारी टेक्निक्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर आपको सोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में बताया गया है कि दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपस में मिली हैं तो फिजिकल तरीके से उनको सेग्रीगेट करने का क्या तरीका होता है, केमिकली अगर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है तो उनको कैसे अलग अलग किया जाता है, ऑल दैट, उसमें क्रोमेटोग्राफी का जिक्र काफी डिटेल में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमको दिया गया है, उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इन चार में से कौन सी चीज आपको एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है फ्री राइबोसोम, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है न्यूक्लियस और चौथा है सेल वॉल। इन चार में से अब कौन सी चीज है जो आपको एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलती है। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 8
आपका जो प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में जिस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन किया गया है 8 क्लास में, उसमें से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। वहां पर एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो आपके दोनों डायग्राम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बना के कंपेयर किए गए हैं और उनके डिफरेंसेस वगैरह को बताया गया। तो वहां पे क्लियर कट ये मेंशन है कि आपके जो एनिमल सेल हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है। सो जिसने ये एनसीईआरटी 8 क्लास में प्लांट एंड एनिमल सेल का चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। येट अगेन द क्वेश्चन इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको या तो आता है या फिर आपको नहीं आता है, आप इसमें इंटेलेक्चुअल गैस नहीं लगा सकते हैं। तो आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और अगर पता ना हो तो फिर बेटर होगा कि इंस्पाइट ऑफ आप एक बिना मतलब में गैस लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, उसकी बजाय उसको स्किप करना ज्यादा बेटर रहेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल वॉल, taken from NCERT class 8 chapter of animal cell and plant cell। तो जो next question अब हमारा आता है उसमें हमसे पूछा गया है what is intercropping, intercropping क्या होती है, and चार options दिए गए हैं। time period between two cropping seasons यानी कि आपके दो seasons जिसमें आप crop लगा रहे हैं उनके बीच का time period है। दूसरा growing of two or more crops in random mixture, एक पर्टिकुलर रीजन में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को आप जैसे भी चाहें वैसे आपने रैंडमली लगा दिया और उनको आप साथ में ग्रो कर रहे हैं वो इंटरक्रॉपिंग है। तीसरा ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट रो पैटर्न यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में सर्टेन रोज में आप सर्टेन तरीके के क्रॉप्स उगा रहे हैं दो या दो से ज्यादा, एक इसको आप इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। चौथा ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, प्री प्लांट सक्सेशन में एक पर्टिकुलर जमीन के टुकड़े पर दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना है यानी कि अभी अगर एक क्रॉप उगाया है तो इसके बाद जो अगला क्रॉप लगाया जाएगा वो पहले से डिसाइडेड है और उसके बाद जो अगला क्रॉप लगाया जाएगा वो पहले से डिसाइडेड है, ये अपने चार ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है अगर एक सर्टेन एरिया में आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं इन सच अ मैनर कि आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है जमीन की वो बढ़ जाए, आपकी जो यील्ड है क्रॉप की वो इंक्रीज हो जाए और आपकी जो जमीन से जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह का लॉस वो अगर कम हो जाए। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप क्रॉपिंग वगैरह करते हैं तो इसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग अब तीन तरीके की होती है, तो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो तीन तरीके की होती है। पहली आती है आपके पास में रो क्रॉपिंग, दूसरी आती है मिक्स क्रॉपिंग और तीसरी आती है रिले क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग से हम लोग शुरू करते हैं। सपोज कर लीजिए कि जमीन का एक टुकड़ा है, उस जमीन के एक टुकड़े में एक सर्टेन एरिया में आपने एक तरीके का क्रॉप लगा दिया, लेट से क्रॉप नंबर वन, दूसरे हिस्से में दूसरे तरीके का क्रॉप लगा दिया क्रॉप नंबर टू, बीच में एक अलग तरीके का लगा दिया, इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है वो कहलाती है मिक्स क्रॉपिंग। दूसरी आती है रो क्रॉपिंग, रो क्रॉपिंग का मतलब है जमीन के इसी टुकड़े में अब अगर डेफिनेट एक रो में आपने एक तरीके का क्रॉप लगाया, उसके बाद वाली रो में आपने दूसरे तरीके का क्रॉप लगाया, उसके तीसरी रो में आपने फिर तीसरी तरीके का क्रॉप लगाया, फिर पहले तरीके का क्रॉप लगाया एंड सो ऑन। अगर इस तरीके की आप क्रॉपिंग करते हैं तो वो कहलाती है आपकी रो क्रॉपिंग। और तीसरी होती है रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हैं जिनके ग्रो करने के टाइम पीरियड में डिफरेंस है, तो आपने ऐसे दो क्रॉप्स लेट से लगा दिए एक सर्टेन रीजन में, एक क्रॉप नंबर वन है जो जल्दी ग्रो कर रहा है और एक क्रॉप नंबर टू है जो देर से ग्रो कर रहा है, तो इन दोनों क्रॉप्स को अगर आपने साथ में साइमल्टेनियसली उगाया तो ये आपका रिले क्रॉपिंग हो जाता है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस पे गौर करें तो सबसे पहला जो है कि इंटरक्रॉपिंग का क्रॉपिंग सीजंस, ये तो पहली कट कर अलग हो गया। दूसरे और तीसरे वाले को छोड़ते हैं, चौथे वाले पर आते हैं, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन यानी कि एक जमीन के टुकड़े पर डिसाइड कर लिया कि पहले ये वाला क्रॉप लगाएंगे, ये कट जाएगा उसके बाद वो वाला लगाएंगे उसके बाद एंड सो ऑन, ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाया जा रहा है, तो दो ऑप्शंस आपके कट के अलग हो गए। अब आपके पास में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन रैंडम मिक्सचर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ रैंडम मिक्सचर, रैंडम मिक्सचर में अगर आपने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को लगाया है तो वो इंटरक्रॉपिंग है, या फिर ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न में आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को लगा रहे हैं वो इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन पर जाएं तो मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में हम लोग कर ये रहे थे कि अलग अलग क्रॉप्स वगैरह को उगा रहे थे, मगर हमने एक बात का ध्यान रखा था कि अगर एक रीजन में क्रॉप नंबर वन उगाया जा रहा है तो उसके बाद सक्सेसिव रीजन में क्रॉप नंबर टू उगाया जा रहा है, क्रॉप नंबर थ्री उगाया जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहे थे कि जमीन के टुकड़े पे एक पॉइंट पे हम लोगों ने क्रॉप नंबर वन लगा दिया, उसके साइड में क्रॉप नंबर टू लगा दिया, फिर यहाँ पे क्रॉप थ्री लगा दिया, रैंडमली ऐसा काम नहीं हो रहा था, रोज वगैरह के फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं कर रहे थे, मगर एक डेफिनेट जगह पे हम लोगों ने एक क्रॉप लगाया था, फिर एक डेफिनेट जगह पे दूसरा क्रॉप लगाया था एंड सो ऑन। तो रो क्रॉपिंग
की डेफिनेशन पर ये फिट नहीं बैठता। आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो मगर रैंडम मिक्सचर में नहीं उगा रहे हो। आप एक सर्टेन रीजन है जिसमें आपने एक क्रॉप लगा दिया क्रॉप नंबर वन, दूसरी जगह पे दूसरा क्रॉप लगा दिया क्रॉप नंबर टू, तीसरी जगह पे तीसरा क्रॉप लगा दिया, मगर इस सर्टेन रीजन में यही वाला क्रॉप लगाया गया। इसमें यह नहीं है कि एक जगह पे आपने क्रॉप नंबर टू लगा दिया क्रॉप नंबर थ्री लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन रीजन में आपने एक खास तरीके का क्रॉप लगाया, दूसरे रीजन में खास तरीके का क्रॉप लगाया, तो रैंडम मिक्सचर जो है वो आपने नहीं किया है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कटकर अलग हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग रो क्रॉपिंग के बेसिस पर जाएं तो ये वाला फिट बैठ रहा है कि आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगा रहे हो और एक डेफिनेट रो पैटर्न में उगा रहे हो। आपने एक सर्टेन रो में क्रॉप नंबर वन लगाया, एक सर्टेन रो में क्रॉप नंबर टू लगाया, एक सर्टेन क्रॉप में तीसरा क्रॉप लगाया, एंड सो ऑन, जो भी आप कर रहे हैं। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर इंटरक्रॉपिंग, जो इसमें आपको दिया गया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है भाई, मैग्निफिकेशन इज एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व साइज। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जर्व साइज ऑफ द स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। थर्ड इज एक्चुअल साइज माइनस ऑब्जर्व साइज, एंड फोर्थ इज एक्चुअल साइज मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्व साइज। तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी का जो लाइट चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन उठाया गया है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसी के बेसिस पर अगर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको आप H2 अपॉन H1 बोल दो या फिर HIM हाइट ऑफ द इमेज HIM डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट OB। तो ये डेफिनेशन ही है मैग्निफिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग चला जाए। एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमन अपॉन ऑब्जर्व साइज नहीं, हाइट ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जर्व साइज ऑफ द स्पेसिमन यहाँ पर आता तो हो जाता ऑब्जर्व साइज ऑफ द स्पेसिमन अपॉन एक्चुअल साइज, हाँ ये फिट बैठ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है एक्चुअल साइज माइनस ऑब्जर्व साइज वो भी गलत हो जाएगा, एक्चुअल साइज मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्व साइज वो भी गलत हो जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जर्व साइज ऑफ द स्पेसिमन वही बात होती है, और एक्चुअल साइज यानी कि उसका एक्चुअल साइज जो भी है। तो आपका सेकेंड जो है दैट इज fitting into the definition of magnification, so it is the correct option. So magnification means observed size of the specimen divided by actual size. Next question में हमसे पूछा गया है, which of the following is known as suicide bags of cell? इनमें से कौन सा suicide bags of cell के नाम से जाना जाता है? पहला lysosomes, दूसरा आपका plastids, तीसरा endoplasmic reticulum, चौथा mitochondria. This question yet again from नाइन्थ क्लास, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई जो लाइसोसोम्स हैं इनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सेल्स के अंदर होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर आने वाले फूड मटेरियल और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, और जब सेल अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के करीब पहुंचता है तब ये सेल को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो लाइसोसोम्स है, और ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास पढ़ रखी है, जिसमें सेल्स वगैरह के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, और उसके बाद में अलग अलग सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो वहां पर जब आप सेल्स के अंदर जो अलग अलग चीजें होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वहां पर लाइसोसोम्स के बारे में बात हुई है, एंड फिर ये बताया गया है कि लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या है, एंड देन अल्टीमेटली बोला गया है कि ये सुसाइड बैग कहलाता है, रीजन के साथ में एक्सप्लेन किया गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड येट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट आई हैव बीन रिपीटिंग थ्रू आउट दिस डिस्कशन, the person who has been thorough with the NCERTs would not find this paper quite difficult, but the person who is not good with fundamentals in science, history, geography, whatsoever is going to find that the paper is not quite easy, paper is difficult, paper is little bit tough. So the ultimate objective of this entire discussion is to convey this particular thought to you all chaps, that the success either for combined defense services or any other defense examination or any other examination of UPSC for that matter goes through NCERTs. So you have to be good with the fundamentals, you have to be thorough with the NCERTs no matter what. Next to question hamara aata hai, isme humse pucha gaya hai the concept of four pillar state, that is free from district magistracy, was suggested by whom? ये जो फोर पिलर स्टेट का कंसेप्ट है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पावर्स वगैरह से मुक्त है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिसमें कोई लेना देना नहीं है, दखल अंदाजी नहीं है, उस फोर पिलर स्टेट के कंसेप्ट को इन चार लोगों में से किसने प्रोफाउंड किया था, किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है राजा राम मोहन रॉय, और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन आप
तभी बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब आपको इसका जवाब पहले से पता हो. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया. इन्होंने अपने इकोनॉमिक आइडियाज दिए हैं उसमें इन्होंने फोर पिलर स्टेट्स की बात करी है, जिसमें पावर को इन्होंने बोला है कि आपका विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर बांटा जाना चाहिए. सबकी अलग आपकी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं डिस्क्राइब होनी चाहिए. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पावर्स उन्होंने बताई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी वगैरह के लिटिगेशन से इसको बाहर रखा जाना चाहिए. अब एज सच ये क्वेश्चन आपको 6 to 12 कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है या फिर ये क्वेश्चन बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. तो जिस व्यक्ति ने चीज के बारे में ना सुना हो तो उसके लिए सलाह यही है कि इसको स्किप करना ठीक रहेगा. मगर एनसीईआरटी कुछ ऐसी किताबें भी पब्लिश करती हैं जिनको करिकुलम में नहीं पढ़ाया जाता, जिनको टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर आप उनको पढ़ सकते हैं. उन्हीं में से कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे जो ग्रेट थिंकर्स एंड आपके फ्रीडम मूवमेंट में जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़ी हस्तियां रही हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज, उनके थॉट्स, उनके इकोनॉमिक मॉडल्स वगैरह के ऊपर थॉट्स वगैरह को अलग अलग बुक्स के तौर पर पब्लिश किया जाता है. तो उनमें से एक बुक है जिसमें इकोनॉमिक आइडियाज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को डिस्कस किया गया है, उसमें इस बात को बताया गया है. बट येट अगेन, क्योंकि 6 to 12 की सिलेबस की एनसीईआरटी में ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, सो आई विल से दैट यस, इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड द बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन व्हेन यू हैव जस्ट नो आइडिया व्हाट दिस फोर पिलर स्टेट कंसेप्ट इज, द ओनली गुड थिंग दैट शुड बी डन इज टू स्किप the question, because the probability of getting it right as well as the probability of getting it wrong both are equal and they are 1/4. The next question humko diya gaya hai usme bataya gaya hai ki bhai which of the following is not a part of the fundamental rights, that is part 3 of the constitution of India. In char options mein se kaun sa jo option hai wo hamare constitution of India ke fundamental rights jo humko part 3 mein bataye gaye hain uska hissa nahi hai. Pehla option, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो स्मगलिंग या तस्करी होती है इसके ऊपर बैन, और फोर्स लेबर यानी कि किसी को बिना मजदूरी दिए या मजबूर करके अगर कहीं पर मजदूरी करवाई जा रही है इसके ऊपर बैन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये दिया गया है या नहीं दिया गया. सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह में बच्चों को मतलब एम्प्लॉयमेंट पे रखने का जो ये जॉब का प्रोसेस होता है उसके ऊपर प्रोहिबिशन है या नहीं है. तीसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री वगैरह है और उसमें वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उन वर्कर्स का उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये है या नहीं है. और चौथा है, प्रैक्टिस एनी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, इन चार में से कौन सा जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिया गया उसका हिस्सा नहीं है. तो ये तो इसका हिस्सा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये आपको राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू डिग्निटी में इसको शामिल किया गया है कि किसी भी कि भारत का संविधान जो है वो लोगों की तस्करी वगैरह को पूरी तरह से बैन करता है, और अगर कहीं पर ये प्रथा चल रही है कि आप किसी को मजबूर करके बिना पैसा दिए उससे मजदूरी करवा रहे हैं या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी करवा रहे हैं तो इस चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी वगैरह में इसको बैन किया. तो पहला तो ऑप्शन अपना नहीं है क्योंकि ये तो पार्ट 3 का हिस्सा है. दूसरा है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज, पहले ये प्रावधान था कि 14 साल से कम के बच्चों को आप इंडस्ट्री में नहीं रख सकते थे, बाद में उन्होंने टोटल बैन कर दिया कि तरीके से बच्चों को आप इंडस्ट्रीज वगैरह में, हैवी इंडस्ट्रीज में खासतौर पर जहां पे दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा है वहां पर आप इंप्लॉयमेंट नहीं दे सकते. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ये पार्ट 3 का हिस्सा है. ये फोर्थ वाले की बात करते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये वाला जो है ये आपको राइट टू इक्वालिटी में ये दिया गया है कि आप जो चाहें वो बिजनेस एंड ट्रेड वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि कुछ जगहों पे कुछ प्रोविजंस वगैरह लगे हुए हैं, बट अल्टीमेटली ये प्रोविजन वगैरह ये जो है ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है, राइट टू इक्वालिटी वगैरह में ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है. अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. वर्कर्स को ये तो राइट है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बना सकते हैं एंड ऑल दैट, मगर इस तरीके का कोई फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिया गया कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में एज अ वर्कर काम कर रहे हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट की जो मैटर्स हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है उसमें भी बोलने का या फिर उसमें भी पार्टिसिपेट करने का फंडामेंटल राइट होगा. इंडिविजुअल किसी इंडस्ट्री में हो सकता है ऐसा कोई प्रोविजन हो कि वर्कर्स भी मैनेजमेंट में बोल सकते हैं, मगर ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीज जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है. तो ये जो चीज है ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है इसमें बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
not a geographical requirement for the cultivation of cotton. कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये जो चार कंडीशंस आपको दी गई हैं, इसमें से कौन सी कंडीशन ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है? पहला, टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर इन समर्स. दूसरा, मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल. तीसरा, मीडियम लोम सॉइल विद गुड ड्रेनेज सिस्टम. एंड चौथा, अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 डेज. कि अगर आपने अच्छे से क्रॉप के तौर पर अगर आपको ग्रो करना है, कल्टीवेशन करना है उसका, तो इन चार में से कौन सी जो है आपकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है. पहला कि 25 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए समर्स में. दूसरा, मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल होनी चाहिए. तीसरा, लोमी सॉइल. लोमी सॉइल का मतलब होता है जो थोड़ा सा स्टिकी सॉइल हो, जैसे काली मिट्टी वगैरह हो गई. और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए. और चौथा होता है कि आपका जो ग्रोइंग पीरियड होना चाहिए क्रॉप, यानी कि कम से कम 100 दिन तक फसल जो है वो खेत में खड़ी रहेगी, 100 दिन तक वो ग्रो करेगी. आपने जिस दिन लगाया उस दिन से लेके काटने तक का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 100 दिन का होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कॉटन को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं और क्या कंडीशंस नहीं होती हैं. अगर हमको पता है उन सारी कंडीशंस में, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो पहली चीज तो ये कि कॉटन जो है वो आपके टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बढ़िया तरीके से होता है. यहाँ तक है शायद 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री साउथ तक का जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में जो टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन आते हैं, इसमें कॉटन बहुत बढ़िया तरीके से उगता है. अब जो कुछ कंडीशंस होती हैं कॉटन को उगाने की, सबसे पहला टेम्परेचर की बात करते हैं. आपका टेम्परेचर अगर 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है. दूसरा, अगर आपका रेनफॉल जो है वो 500 mm तक है तो ये आपके कॉटन की ग्रोथ के लिए अच्छा है. 500 mm जो है वो आपका मॉडरेट से मीडियम रेनफॉल के बीच में आ जाता है. तीसरा, आपकी जो सॉइल्स वगैरह हैं वो स्टिकी होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा ना हो कि भुरभुरी हो या फिर अगर आप थोड़ा सा मतलब उसे हाथ से दबाओ तो वो फैल जाए, वो स्टिकी होनी चाहिए. अगर आप उसको हाथ में लेके थोड़ा सा दबाओ तो वो आपके हाथ में स्टिक होना चाहिए. इस तरीके की अगर लोमी सॉइल आपके पास में हो, इस तरीके की सॉइल को लोमी सॉइल बोला जाता है. तो अगर इस तरीके की लोमी सॉइल आपको देखने को मिले और इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, यानी कि अगर आप पानी बहाएं तो वो पानी अच्छे तरीके से सॉइल से निकल बहता हुआ निकल जाए, तो ये आपके कॉटन के क्रॉप के लिए बहुत बढ़िया है. और दूसरा और लास्ट चीज़ कि कम से कम 225 दिन तक ये जो फसल है वो अपनी खड़ी रहनी चाहिए. कम से कम 225 क्रॉपिंग डेज की आपको जरूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट मिनिमम 225 क्रॉपिंग डेज की जरूरत आपको अच्छे कॉटन के लिए चाहिए पड़ता है. तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप अच्छा कॉटन ग्रो करना चाहते हैं, एंड दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट. अब हमसे सवाल ये पूछा गया है कि इन चार में से कौन सी एक चीज जो है वो ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पता होने के बाद में आप आंसर कर सकते हैं कि जो फोर्थ है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, कि कम से कम 100 दिन नहीं, कम से कम 225 दिन लगते हैं. बाकी सारी कंडीशन तो फिट बैठ रही है. 25 डिग्री या 25 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर आपका 18 से 30 के बीच में आ जाएगा. 500 mm तक की जो आपकी रेनफॉल हो रही है या 500 सेंटीमीटर जो भी है वो मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल के बीच में आती है. 500 mm जो है वो आपका लाइट रेनफॉल के बीच में आती है, लाइट रेनफॉल की कैटेगरी में आती है. मीडियम लूम सॉइल और उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो भी चीज़ आपकी सेटिस्फाई हो रही है. तीसरा वाला पॉइंट, मगर ग्रोइंग पीरियड जो है वो 100 दिन का नहीं होना चाहिए, 225 दिन कम से कम ग्रोइंग पीरियड को लगते हैं. तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ये कॉटन के ग्रोथ के लिए एक अच्छी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट नहीं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कोरल रीफ जो है वो कहाँ नहीं पाई जाती इंडिया में. ये जो चार आपको रीजन दिए गए हैं, इन चार रीजन ऑफ इंडिया में से कौन से रीजन में आपको कोरल रीफ देखने के लिए नहीं मिलती है. ऑप्शन, लक्षद्वीप आइसलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार और चौथा गल्फ ऑफ कैम्बे. तो ये क्वेश्चन भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पहले से पता हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोरल रीफ्स हमारे यहाँ चार जगहों पर पाई जाती हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, उसके बाद अगला आता है लक्षद्वीप आइसलैंड, देन आता है गल्फ ऑफ कच्छ, एंड देन आता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार. इसके अलावा कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के कुछ सर्टेन इलाकों में जो कोस्ट वगैरह पे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है वहाँ पर भी आपको कोरल रीफ्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं. तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार,
कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ सर्टेन एरियाज, इन पर्टिकुलर रीजन्स के अलावा वहां पर भी कोरल रीफ आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पूछा गया है, एंड इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, या फिर गल्फ ऑफ खंबात जो भी इसको कहना चाहें, उसका वहां पर आपको कोरल रीफ्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछा गया है विच हु इज द ऑथर ऑफ 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट ब्रज भक्ति विलासा विच फोकस इज ऑन ब्रज रीजन। 16th सेंचुरी में एक संस्कृत टेक्स्ट लिखा गया है, नाम है ब्रज भक्ति विलासा, जो फोकस करता है ब्रज रीजन के ऊपर, उसका ऑथर इन चारों में से कौन है? कौन है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टोडरमल, दूसरा है नारायण भट्ट, तीसरा है चैतन्य और चौथा है रूपा गोस्वामी। इसका आंसर भी क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो तभी आप कर सकते हैं सही तरीके से जब आपको पता हो, क्योंकि अगर आपने एम लगाया तो सही होने के चांसेस आपके 1/4 है, बट गलत होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो यहाँ पर भी फिर वही सलाह मैं आपको दूंगा कि हो सके तो यहाँ पर आप चांस ना लें, अगर आपको आता है तभी आप इसको टिक करें, और अगर नहीं आता है तो इसको स्किप करना बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इंटेलेक्चुअल गैस हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। एंड ये क्वेश्चन आपको फिर से भक्ति मूवमेंट के बारे में हमको जाना पड़ेगा। 7th क्लास एनसीईआरटी भक्ति मूवमेंट में पर्टिकुलर इनका जिक्र आया है, इनकी इस किताब का भी जिक्र आया है, ब्रज भक्ति विलासा, और इनका जो राइट आंसर है वो नारायण भट्ट है। नारायण ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह जिसमें भक्ति मूवमेंट को डिटेल में बताया गया है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि ब्रज भक्ति विलास जो है 16th सेंचुरी में कंपाइल होने वाला संस्कृत टेक्स्ट था, एंड नारायण भट्ट के द्वारा ये कंपोज किया गया था। ये साउथ इंडिया से आए थे ब्रज में, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और भगवान कृष्ण को लेकर भक्ति मूवमेंट में जितना भी काम वगैरह हुआ है वृंदावन वगैरह में, गोकुल में एंड ऑल दैट, उसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको भक्ति मूवमेंट में, और इस किताब के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको एनसीईआरटी के भक्ति मूवमेंट के चैप्टर्स में देखने के लिए मिलता है। एंड इसके बेसिस पे फाइनली हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जो है वो नारायण भट्ट है।